इसलिए कि हमें चुनना है कि कौन सा लीडर अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमें इन मुद्दों पे डालना है कि हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, या बेरोज़गारी है, मतलब यहाँ सोचना है हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है मैं 42 साल का हूँ, मुझे लगता आज तक अच्छा नहीं हुआ। यहाँ वो चला है खानदानी राज चला है, गरीबों को कोई पूछता ही नहीं था। जब से यहाँ सजाद गनी लोन आया, 2-2.5 साल का रहा था, मुझे लगता है कि गरीबों के लिए उनको लगा है हम जिंदा है, यहाँ हमें कुछ मिलता है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस लायक समझा। तो सबसे अहम बात और तमाम नई जनरेशन खसूसा टीन एजर्स के लिए मेरी ये कुछ बातें हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए, ये जो असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, ये आम लोगों की सरकार होती है, घर घर की सरकार होती है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए। और दूसरी बात रही टीन एजर्स के लिए मेरी ये बात है कि खुशकिस्मती उनके लिए है, क्योंकि उनके तमाम मसले इसमें हल हो जाते हैं 100%। क्योंकि जब घर घर की सरकार है, इसका मतलब ये है कि सब मसलों पे ध्यान दिया जाता है, इसमें डेवलप होती है, इसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें एजुकेशन की तरफ या जोर लगाया जाता है, इसमें घर घर गली गली गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला शहर शहर हर किसी का ख्याल रखा जाता है। तो रहा सवाल इस असेंबली इलेक्शंस का, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने समझा है कि असेंबली इंतखाबात में हर किसी को अपनी बात कहने का हक होता है। जैसे कि आप मुझसे बाइट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद गली गली सरकार पहुंच रही है, शायद सरकार हर किसी का मसला हल करना चाहती है। बस मेरा जवाब यही रहेगा शॉर्टकट में, असेंबली इंतखाबात जो होते हैं ये गली गली घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ हर एक बच्चे की आवाज़ है, हर एक टीनएजर्स की आवाज़ है, हर एक बंदे की आवाज़ है, और हर एक को अपना मसला आगे पहुंचाने का बिल्कुल ये रास्ता मिलता है। ठीक लग रहा है, देर आए दुरुस्त है, ऐसे इन्होंने भी टाइम ही वेस्ट कर दिया, इतने टाइम के बाद कर दिया। यार जल्दी होना चाहिए, अपनी टर्म ख़त्म हो गई तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो जो हंदवाड़ा कानाचुन से है, ये तो हर वक्त यहाँ पे लोग निकलते हैं, जब कहीं पे 1% दो हम तब भी 65-70 डाल ही देते थे, हमने कभी कम वोट नहीं डाले। वोट किस पर्पज़ के लिए इंसान डालता है? यार ये जो बुनियादी मामलात होते हैं ज़िंदगी के, मतलब अभी भी मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया है, 19 लिए 4 आदमी एक ही घर के गई, वो भी एक प्रॉब्लम हुआ है। लोग अभी भी यहाँ बहुत चीज़ों से महरूम हैं। क्या लोग आज जो भी चुन के आएगा उनको काम करना चाहिए लोगों का, कि जो काम नहीं करेगा वो तो उड़ जाएगा, उसको कहाँ रहना है, वो तो रहेगा ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। ओके।